आप सभी का ऑनलाइन क्लास 10 में स्वागत है। कल तक हमने पढ़ा था 15.2 है। 15.2 से पहले एग्जांपल नंबर 5 तक हम कर चुके थे और आज हम लेंगे एग्जांपल नंबर 6 है। और एग्जांपल नंबर देखो 6 में एक कोण ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। सबस्टेंस ए राइट एंगल, ए राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर वो क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले देखो इसका डायग्राम, पहले हम देखते हैं डायग्राम। ये सर्किल है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ सर्किल, ये कोण आ गई एबी, और इस कोण से जो नीचे का स्मॉल पार्ट बना है, जो स्मॉल पार्ट बना है कोण है, इस कोण से जो नीचे का स्मॉल पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट को हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट वो जो ये ऊपर का पार्ट है, बाकी का कोण से ऊपर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट दो बातें यहां समझनी है। देखो माइनर सेगमेंट होता क्या है, कोण है, कोण से जो नीचे का स्मॉल पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, एंड अपर पार्ट हो गया है यानी कि जो स्मॉलर पार्ट है, सॉरी जो ग्रेटर पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर, इस सेंटर से लेके ये तक की जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल बना ये राइट एंगल, एंगल राइट एंगल। सॉल्यूशन में देखो गिवन में रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल आर के द्वारा डिनोट करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, एंड ये राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे क्या बना रहा है, राइट एंगल। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां से हम लेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22/7, क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ नहीं कह रखा कि टेकिंग पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14 कुछ भी नहीं कहा हुआ है, इसलिए हम पाई की वैल्यू है कितनी लेंगे, पाई इक्वल टू 22/7। रेडियस हमारे पास 5, 5 × 5 स्क्वायर इसके डबल टाइम आ चुका है, इनटू थीटा, थीटा की वैल्यू राइट एंगल अपॉन 360 माइनस आर 5 × 5/2 और साइन थीटा की वैल्यू 90। और अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखो साइन 90 = 1 sin 90 = 1 ये वैल्यू यहां पुटिंग हम कर देंगे। तो 22/7 × 5 से इनटू करो 25 × 90 से इसको कट करेंगे 4 टाइम 1/4, 5 × 5 से इनटू करने पर 25/2 sin 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी 5 से 5.2 किया 25, 90 से 360 को कट करेंगे 490 बन जा 90 1/4। अब 22 को 25 से इनटू कर दो या फिर इनको कट कर सकते हैं 11 और यहां से कितना आ गया 2, 11 को 25 से इनटू करना हमारे 11 × 25/7 = 14 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 12.5। अब 25 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 11 5 जा 55, 5 11 2 जा
22 22 5 को ऐड कर दो, 27, तो 275/14 -12.5। अब आगे 14 से डिवाइड करेंगे 275 को, 14 से डिवाइड करना है 275, तो 14 बन गया 14, रिमाइंडर 13, ये 14 गया 126, रिमाइंडर 9, पॉइंट लगते ही है क्या जाएगा 0, 14 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 6 टाइम 84, 90 में से 84 को लेस करेंगे तो 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले सकते हैं, 14 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम 52, यानी कि पॉइंट के आपके डिजिट तक आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 90.64 -12.5। अब 90.64 में से 12.5 को लेस कर देंगे हम, 19.64 -12.5 का आगे 0 ले लेते हैं, तो 4 1 और ये 7, ये पॉइंट अपनी चाहिए, तो 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सो डेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू 7.14। एक बार और देखते हैं, क्वेश्चन में था आपका रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना है इसमें 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रहा है राइट एंगल है, सेंटर के ऊपर राइट एंगल बन रहा है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसका फॉर्मूला मैंने यूज किया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस है 5 5 5, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, 90 से 360 को कट करेंगे 4 टाइम, 5 को 5 से इनटू करेंगे 25 पे 22 को 4 को कट करेंगे 2 की टेबल से, 4 को कट करेंगे 2 की टेबल से कितना आएगा 2, और 2 की टेबल से 22 को कट करेंगे तो 11, फिर क्या आ रहा है 11 को 25 से इनटू करना है अपॉन में 7 2 जा 14, और 11 को 25 से इनटू करेंगे तो 275 अपॉन 7 2 जा 14, 5 को 5 से इनटू किया 25, sin 90 की वैल्यू अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और 25 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 12.5, फिर 14 से डिवाइड करेंगे 275 को तो 19.64 -12.5, 19.64 में से 12.50 को लेस करेंगे तो 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हाँ, अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 7, 15.2 से ठीक पहले है, तो इसमें है कि एक कोण ऑफ सर्किल रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर, कि सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल वो बना रहा है ये कोण 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ, बोथ का मतलब दोनों का, दोनों फिन का, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, दोनों सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों के बारे में बात की थी, लेकिन वहां हमारे को फाइंड क्या करना था, ओनली माइनर सेगमेंट का एरिया, और इस क्वेश्चन के अंदर बोथ का दोनों का ही पूछ लिया आपसे, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, इसका देखो डायग्राम देखो, ये सर्किल है हमारे पास सेंटर ऑफ सर्किल, और ये जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है सेंटर पे कोण के द्वारा, ये कोण है हमारे पास, और रेडियस है इसकी 14 सेंटीमीटर, हर क्वेश्चन में रेडियस चेंज हो रही है, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और जो कोण के, जो कोण के नीचे का जो पार्ट स्मॉल पार्ट है उस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर का पार्ट है कोण के ऊपर का पार्ट, जो ग्रेटर पार्ट है लार्जर पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन दो स्टेप्स में जाएगा, कितने स्टेप्स में जाएगा, टू स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप इसके लेंगे तो पहले हमारे को माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट में क्या फाइंड करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया,
फिर हमारे को कंप्लीट सर्किल का एरिया निकालना है, फिर सर्किल का एरिया निकालना है। फर्स्ट नंबर पे क्या फाइंड करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया, फिर निकालेंगे सर्किल का एरिया, फिर सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया लेस कर देंगे। तो लेस करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। क्वेश्चन की दो स्टेप हो गई है। फर्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया, सेकंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे सर्किल का एरिया, फिर सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। इस प्रकार से टू स्टेप्स रहेगी क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन में देखो रेडियस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में चलते हैं। गिवन में रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल आर या कैपिटल आर का यूज कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, जो एंगल बन रहा है थीटा सेंटर के ऊपर 30 डिग्री में। थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब क्या फाइंड करेंगे फर्स्ट स्टेप में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां से लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला पिछली क्वेश्चन में भी हमने बात की थी इसकी, पाई आर स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन थीटा। पाई की वैल्यू 20, 2 अपॉन 7। देखो पाई के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 टेकिंग कीजिए, तो हम यहां पे 3.14 लेंगे, लेकिन यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पाई के बारे में, इसलिए हम यहां पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 22 अपॉन 7। रेडियस हमारे पास 14 × 14, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर 14 × 14, स्क्वायर इज 3 × 10 अपॉन 2 और साइन 30, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। इसमें 7 से कट करेंगे 2 टाइम, 7 × 2 = 14, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कट करेंगे 36 को, तो 12 बटा, अब 2 को 12 और कट कर सकते हैं 6 टाइम। अगेन एक बार और देखिए, 7 से 14 को कट करेंगे 2 टाइम, और 0 से 0 यहां कैंसिल हो चुका है, 3 से कट करेंगे 36 को, तो 12 बटा है। फिर देखो 2 की टेबल में 12 में 6 टाइम आ जाएगा, 22 × 14/6 माइनस, यहां से लेंगे 2 से इसको कट किया 7, तो 7 × 14/2 × sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये 2 नहीं आएगा, 2 से अगेन इसको कट करेंगे 7 टाइम, ये 3 और ये कितना आ गया 7। 22 को 7 से इनटू कर दो, 154 माइनस 7 × 7 = 49 अपॉन 3, 22 को 7 से इनटू कर दिया, 154 अपॉन 3, और 7 से इस 7 को इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और 3 से डिवाइड करना है 154, 154, 5 टाइम 15, और यहां से 4 ले लेंगे, रिमाइंडर 0 है 4, तो 1 टाइम 3, 1 पॉइंट लिया है यहां 0 ले सकते हैं, 3 × 3 = 9, अगेन 1 0 3 × 3 = 9 की पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट तक आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 51.33 − 49। अब इसमें से 49 को लेस कर देंगे, अब इसमें से क्या करेंगे, 49 को लेस कर देंगे, 51.33 − 49.00 ले सकते हैं, तो 33 तो याद है पॉइंट, यहां 2.33, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 2.33
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गई है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फिर हम यहां से निकालते हैं एरिया ऑफ सर्किल। सेकंड स्टेप क्वेश्चन, क्वेश्चन की सेकंड स्टेप क्या आ रही है एरिया ऑफ सर्किल, और इसका एरिया आपको याद रखते हुए चलना पड़ेगा 2.33। इसके बाद सेकंड स्टेप है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज लेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस है 14। दोबारा देख लो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस है 14, तो 14 स्क्वायर 22/7 इनटू 14 स्क्वायर, तो 14 इनटू 14 7 से कट करेंगे 14 को 2 टाइम, 22 को 2 से इनटू कर दो 44 इनटू 14, 14 को इनसे इनटू कर दो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ गया आपके पास एरिया ऑफ सर्किल। देखो ऐसे हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का भी आ चुका है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का कितना आया 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट सर्किल का है, सर्किल का कितना आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे को किसका फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का, तो यहां से लेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू फॉर्मूला है क्या लगेगा कंप्लीट सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और यहां से एरिया ऑफ सर्किल का 616 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616.00 2.33 तो 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। और पिछली बार एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का कितना आया था 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 13.67 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का हमारे पास। हाँ देखो यानी अब चल रहा है एग्जांपल नंबर 8, 15.2 से पहले एग्जांपल नंबर 8 में एक कोण इन ए सर्किल रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर है, सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, इस सेंटर पे एंगल कितना ये बढ़ा रहा है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का मतलब कि जितना एंगल के साथ जो सेगमेंट बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं माइनर सेगमेंट कह सकते हैं या फिर कोरस्पोंडिंग सेगमेंट हम कह सकते हैं। फॉर्मूला में हम वही काम में लेंगे जो माइनर सेगमेंट में काम में लेंगे। एक मिनट देखो डायग्राम को, ये सर्किल है हमारे पास, जो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है ये कोण हो गई, और कोण के स्मॉल पार्ट ऑफ कोण, कोण से जो स्मॉल पार्ट बना है इसको हम क्या बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120, रेडियस है 12 सेंटीमीटर से, ये एबी कोण, ये सेंटर ओ इसका। तो यहां से देखो गिवन में रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर इसको कहेंगे थीटा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल,
कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो यहां से क्या लेंगे, एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा। इस फॉर्मूले का हम यूज कर देंगे, एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी वही फॉर्मूला यूज किया इसे माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू 3.14 टेकिंग करनी है, क्वेश्चन में है लिखा हुआ ये बात हमारे पास 3.14। रेडियस हमारे पास 12 है इनटू 12 स्क्वायर है, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 माइनस आर की वैल्यू 12 इनटू 12 अपॉन 2 और साइन 120। अब देखो साइन 120 की वैल्यू हमारे को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं मिलेगी, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले का हम यहां यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। अब आगे देखो साइन 120 साइन 120 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 2 कोस 120 अपॉन 2 साइन 120 इज इक्वल टू 2 साइन 2 से कट किया 120 को तो 60 डिग्री, 2 से 120 कट करेंगे तो 60 डिग्री, तो 2 साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन 120 इज इक्वल टू इसके आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 की, ये वैल्यू हम यहां काम में लेंगे, साइन 120 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। एक बार और देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 120, तो 2 साइन 120 अपॉन 2 कोस 120 अपॉन 2, 2 से 120 को कट करेंगे तो 60 टाइम तो 60 डिग्री आ जाएगा यहां से और कोस यानी कि 120 को 2 से भी कट करेंगे तो 60 डिग्री और 2 तो यहां से आ गया, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 कोस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, 2 से 2 को कट कर दिया तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आ गई है रूट 3 अपॉन 2। अब हम यहां पर ये वैल्यू काम में लेंगे, इसे ये वैल्यू काम में लेंगे, कट करें इसको 120 से 360 3 टाइम हो जाएगा, 3 से 12 कट करें 4 टाइम 3 4 12 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 2 से कट करें 12 को 6 टाइम तो 6 इंटू 12 इंटू साइन 120 की वैल्यू पहले हमने फाइंड की थी रूट 3 अपॉन 2, 2 से अगेन इसको कट करें 3 टाइम 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 12 इंटू रूट 3, रूट 3 की वैल्यू कितनी पुटिंग करनी है 1.73 अकॉर्डिंग क्वेश्चन रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। अब इन दो टर्म्स हमारे पास कौन कौन दो टर्म्स हैं, इन टू टर्म्स में से कॉमन फाइंड करो, तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा 12, दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ गए हैं 12, 12 को हम कॉमन ले लेते हैं, 12 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे 3.14 इंटू 4 माइनस 12 से 12 कैंसिल होके 3 इंटू 1.73 12 इंटू 4
3.14 को 4 से इंटू कर देंगे, 4 जा 16, के लिए वो ऐड करके 5, 12.56, 4 जा 16, 1 के लिए 4 जा 4 प्लस 1, 5, 4 3 जा 12, माइनस 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 के लिए 3 1 जा 3 और 2, 5। अब इसको लेस कर लेंगे, 12.56 माइनस करेंगे इसमें से 5.19, 16 में 9 को लेस किया 7, 4 में 1 3 और यहां अगर 12.57, 7.37, 12 इंटू 7.37। अब 12 से इसको इंटू कर देंगे, 12 समझे 84, 8 के लिए 12 3 जा 36 और 8, 44, 4 के लिए 12 को 7 से जो 84 में 4 और ऐड कर दो तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार वो देखते हैं क्वेश्चन में, एक कोण ऑफ सर्किल रेडियस है इसकी 12 सेंटीमीटर है, सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल, जहां पर हमारी पाई की वैल्यू 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। अकॉर्डिंग देखो डायग्राम, ये जो पार्ट बन गया ये क्या बन गया, माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट को ही हम क्या कहेंगे, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट कहेंगे। तो रेडियस हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्किल r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 120। फिर एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस से 12 इंटू 12 डबल टाइम लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360, रेडियस है 12 इंटू 12 अपॉन 2 साइन 120 की वैल्यू पहले भी हमने फाइंड कर ली थी रूट 3 अपॉन 2। अब हम यहां से 120 से 360 को कट करेंगे 3 टाइम और 3 से 12 को कट करेंगे 4 टाइम, तो 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 टाइम, 6 इंटू 12 अपॉन साइन 120 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 हमने पुटिंग कर दी, और 3 से 12 यानी कि 3 इंटू 12 इंटू 2 से अगेन 6 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन फाइंड करेंगे, तो कॉमन ये क्या आ जाएगा 12, हमारे पास 12 को कॉमन लिया 12 से 12 कैंसिल होगी, ये दोनों टर्म्स यहां से बच गए 3.14 इंटू 4 और यहां से 12 कैंसिल होके 3 इंटू 1.73, यानी कि 3.14 को 4 से इंटू करने पर 12.56 माइनस 3 को 1.73 से इंटू करेंगे तो 5.19। अब 12.56 में से 5.19 को लेस करेंगे तो 7.37, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 से इंटू करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सो दैट एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।